हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं प्रिया, वेलकम टू माय चैनल ममाज वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल बैग में न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या होना चाहिए। कपड़ों में मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए टी शर्ट और पजामाज रखे थे फुल स्लीव्स के। टी शर्ट जो थी वो आगे से ओपन वाली थी। आप भी अपने बेबी के लिए जो कपड़े खरीदें वो अगर आगे से ओपन बटन वाले हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहनाने में भी काफ़ी आसानी रहती है। 100% कॉटन के हैं ये कपड़े, सॉफ्ट हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये सेट्स मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था फर्स्ट क्राई से। इस टी शर्ट में आगे से इस तरह से आप फोल्ड करके जो बेबी के हैंड है उसको फुली कवर कर सकते हैं। आपको अलग से मिटन पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेबी के हाथ पैर को कवर करना चाहिए क्योंकि बेबी को ठंड भी लगती है और साथ ही साथ में वो अपने फेस को भी स्क्रैच कर लेते हैं। इसलिए इस तरह की टी शर्ट अगर आप लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पजामाज भी बूटीज़ वाले आते हैं जिसको कि आप पहनाकर फुली कवर कर सकते हैं लेग्स को। आपको अलग से सॉक्स पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उस टाइम पे साइज़ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने पजामाज जो हैं वो नॉर्मल ही लिए थे। मैंने अलग से सॉक्स लिए थे बेबी के लिए। इस तरह के 3 से 4 जोड़ी तो अपने हॉस्पिटल बैग में रखना ही चाहिए। मैंने इस तरह का रोम्पर भी एक अपने हॉस्पिटल बैग में रखा था जिसमें कि आगे से पूरे बटन लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। रोम्पर्स भी काफी सही रहते हैं बेबी के लिए। इनरवेयर में मैंने कॉटन की वेस्ट और थर्मल वेस्ट रखी थी, थर्मल वेयर जो आते हैं बेबी के लिए। एक फुल स्लीव्स और एक हाफ स्लीव्स की मैंने थर्मल वेस्ट रखी थी। मैंने हॉस्पिटल बैग में कॉटन के कैप्स, बूटीज, मिटेंस और सॉक्स भी रखे थे अपने बेबी के लिए, क्योंकि बेबी को फुली कवर करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने इस तरह का ऊनी जो टोपे आते हैं या कैप्स आती है वो भी ली थी अपने बेबी के लिए। मैंने 2-3 बिब्स और हैंकीज भी रखे थे अपने बेबी के लिए और एक सॉफ्ट टॉवल रखी थी बेबी के लिए। अगर आपकी डिलीवरी हल्की ठंड में हो रही हो तो आप सेफ्टी के लिए एक जोड़ी ऊनी कपड़े भी अपने बेबी के लिए रख सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप यूज़ करें, अदरवाइज आप ना यूज़ करें। हाफ स्वेटर और एक फुल वूलन सेट जिसमें कि स्वेटर और पजामा और टोपा आता है वो मैंने अपने बेबी के लिए रखा था। और अगर सर्दियों का मौसम है तब तो आपको वूलन कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा रखने ही पड़ेंगे। तो ये तो थे कपड़े जो कि मैंने आपको दिखाए हैं कि हॉस्पिटल बैग में मैंने कपड़ों में क्या रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या सामान रखा था अपने हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए। पुरानी चादर की मैंने इस तरह की शीट्स बना ली थी 3 से 4, जो कि बच्चे को मालिश करते समय या बच्चे के डायपर चेंज करते समय या काफ़ी काम में इस तरह की सीट्स आती हैं। और साथ ही साथ में जो क्विक ड्राई सीट आती है वो भी मैंने ली थी, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है बेबी को डायपर चेंज कराते समय। तो मैंने ये जो मैंने घर में बनाई थी वो मैंने एक रखी थी, बाकी मैंने एक क्विक ड्राई सीट रखी थी अपने हॉस्पिटल बैग में। और मैंने हिमालय की वाइप्स और पैम्पर के जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए डायपर आते हैं वो मैंने रखे थे। मैंने कपड़े की नैपी भी बनवाई थी और उसे भी रखा था अपने हॉस्पिटल बैग में। और मैंने डायपर भी रखे थे अपने हॉस्पिटल बैग में, लेकिन मैंने पहले दिन से ही डायपर अपने बेबी को पहनाए और उससे बेबी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी बेबी में। तो इसलिए मैंने कपड़े की नैपी का यूज़ नहीं किया, मैंने डायपर का ही
यूज़ किया फॉर बेबी। आप चाहें तो आप कपड़े की नैपी भी रख सकते हैं और जो भी आपको सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को लपेटने के लिए, स्वेडलिंग के लिए मैंने इस तरह की एक बहुत ही सॉफ्ट टॉवल ली थी, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी। आप इसमें बच्चे को अच्छे से स्वेडल कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर स्वेडलिंग के लिए इस तरह की टॉवल आती है जिसमें कि ये इस तरह का हुड बना होता है जिसमें कि आप बेबी के सर को रखें और इस तरह से फोल्ड कर दें। मैंने ये भी टॉवल ली थी। या फिर आप मलमल के कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं स्वेडलिंग के लिए। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में एक जो छोटा ब्लैंकेट आता है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, मैंने ये बेबी के लिए रखा था। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं रखे थे क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से ही जो बेबी के लिए प्रोडक्ट्स मिले थे। इसलिए आप भी जब अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करने की सोच रहे हो तो उससे पहले अपने हॉस्पिटल से पूछ लें कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो चीज़ें आप ना ले जाएं और जो चीज़ें ना प्रोवाइड की जाएं वही आप ले जाएं और जो चीज़ें ना प्रोवाइड की जाएं वो चीज़ें आप रख लें। वैसे मैंने बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया है, ये प्रोडक्ट्स मैं अपने बेबी के लिए अभी यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आप अपने बेबी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में मिल्क बॉटल भी रखी थी। मिल्क बॉटल आपको हॉस्पिटल से भी मिल सकती है, आप मिल्क बॉटल से अपना ब्रेस्ट मिल्क भी अपने बेबी को पिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर का दूध ही दें अपने बच्चे को बॉटल से, आप ब्रेस्ट मिल्क भी अपने बच्चे को बॉटल से पिला सकते हैं। मैं फिलिप्स एवंट की बॉटल का ही यूज़ करना चाहती थी अपने बेबी के लिए, इसलिए मैंने पहले से ही खरीद कर ये बॉटल अपने हॉस्पिटल बैग में रख ली थी। और आप चाहें तो नेल क्लिपर या नेल कटर जो आता है न्यूबॉर्न्स के लिए और कुछ जो कॉटन बॉल्स होती है वो अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हैं। और अगर आप बॉटल रख रहे हैं तो जो बेबी क्लीनर आता है उसको भी ले जाना ना भूलें। मैंने मिमी का जो बेबी क्लीनर आता है उसको भी अपने हॉस्पिटल बैग में रखा था। होप मैंने सभी चीजें कवर कर ली होंगी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।